हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैंगो रेसिपी। तो मैंने एक आम से इतने सारे लड्डू बनाए हैं, तो आप ये पूरा वीडियो वॉच करना। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। तो मैंने एक नारियल लिया था, इसको हमने छील के इसको ऊपर का जो पार्ट है वो उन्होंने हटा दिया है और इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एकदम कच्चा नारियल है, इससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हमने लिया है एक मैंगो, तो ये एकदम मीठा मैंगो है, तो आप एकदम मीठा ही मैंगो लेना। इस तरह छील के और इस तरह छोटे टुकड़े कट करके आप एक कटोरी में डाल लेना और फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेना। तो ये देखिए पीस के तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम के लगभग चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप कितना मीठा चाहिए। इसको भी हम पीस लेंगे, चीनी भी अच्छे से पीस चुकी है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हम इसमें डाल देंगे। तो इसके अंदर कोई मोटा पार्ट नहीं रहना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। और अब हम लेंगे नारियल, जो इसके छोटे टुकड़े करके हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। छोटे टुकड़े करने के बाद इसे आसानी से पीस के तैयार हो जाएंगे। इसको हमें थोड़ा दरदरा इसे पीसना है, तो इससे क्या है हमारी जो रेसिपी है वो टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। इसको भी हम कढ़ाई में ही डाल देंगे। अब हम गैस पे इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इसमें हमने जो चीनी डाली थी, तो पहले उसका पानी बनेगा, फिर ये धीरे धीरे एकदम ये इस तरह से गाढ़ा होने लग जाएगा। तब इसमें हम दूध की मलाई डालेंगे। तो मैंने जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो मैंने 2 दिन से इकट्ठी की है और वो इसमें डाल देंगे। इससे हमारी रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड, आप घर पे इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखना और इसे लगातार चलाते रहना है। तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लग जाए, तब तक इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ना इसमें हमने घी डाला है, ना मिल्क पाउडर और ना ही मावा डाला है, तो भी इतनी टेस्टी हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो ये हम मैंगो की रेसिपी बना रहे हैं, थोड़ा मैंगो जैसा कलर भी आना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा फूड कलर डाला है, येलो कलर डाला है, इससे हमारी रेसिपी दिखने अच्छी लगेगी। और ये देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है और कढ़ाई ने इसको साइड से छोड़ दिया है। तो इसे लगातार हम चलाएंगे कम से कम 10 मिनट तक के लिए, और 10 मिनट में ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये जो ये डो की फॉर्म में आ जाए, तब तक हमें लगातार चलाते रहना है, इससे क्या हमारी रेसिपी अच्छे से बन पाएगी। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम लेंगे कोकोनट पाउडर, तो इसको हम एक साइड में रख देंगे बाउल में डाल के। और हमें नींबू के आकार की मैं बॉल्स बना रही हूँ, आपको जैसी अच्छी लगे आप इस तरह से बॉल्स बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे इस तरह से बॉल बना के, और ये कोकोनट पाउडर है इसमें इस तरह से चारों तरफ से लगा लूँगी। इससे क्या है कि हमारे जो ये मैंगो लड्डू है ये बड़े सुंदर लगेंगे, इतने सॉफ्ट बनते हैं, और जिसके दांत भी ना हो वो भी एकदम आसानी इसे खा सकते हैं, और बच्चे बड़े सब इन रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखना। मार्केट में खूब सारे मैंगो आ रहे हैं, तो ये रेसिपी तो आप ज़रूर बना के देखना। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। जो हमारे चैनल पर नए नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।